हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सनाई शेल्फ। कैसे हैं सब? सभी को मेरा राम राम। तो कल वैलेंटाइंस डे है तो मुझे लगा चलो क्विक सी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। जो लोग केक बेस नहीं बना पाते हैं उनके लिए मैं क्विक सी केक सिकल्स की रेसिपी आपके सामने लेके आ रही हूँ। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बहुत क्विक है, बहुत इंस्टेंट है, आप इजीली बना सकते हैं। तो डू गिव इट अ ट्राई एंड वैलेंटाइंस डे पर अगर बनाते हैं या आगे पीछे तो डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, ये रहा मेरा हैंडल। तो मिलते हैं आपको आफ्टर द रेसिपी। तो हमें चाहिए वाइट कंपाउंड और कोई भी केक, कोई भी आप केक ले सकते हैं, मार्बल केक, ब्रिटानिया केक या नॉर्मल स्पंजेस जो मार्केट में आते हैं, कोई भी रेडीमेड केक हम यूज़ करेंगे। और ये रेसिपी उनके लिए जिनसे बेस नहीं बनता और कई बार बन भी जाता है बट हमें क्विक सा चाहिए रेसिपी। तो देखिए इस तरीके से आप चाहें तो डायरेक्टली डिप करके भी बना सकते हैं बट हम क्योंकि पॉपसिकल्स वाला शेप देना चाहेंगे, दे रही हूँ मैं इसको, तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस केक को क्रश कर लेना है। चाहे तो मशीन में कर लीजिए, हैंड से कर लीजिए, चम्मच से, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे कर लीजिए। और इसको बाइंड करने के लिए मैं इसमें पाइनएप्पल क्रश डाल रही हूँ। आप अमूल क्रीम डाल सकते हैं, मेरे पास क्रीम थी नहीं घर पे इसीलिए मैंने क्रश यूज़ किया है, अदरवाइज आप क्रीम यूज़ कर लीजिए। और क्योंकि केक ऑलरेडी मीठा है ही, बस बाइंडिंग चाहिए, मेन है बाइंडिंग। तो इससे मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर डाल दिया तो उससे फ्लेवर भी चॉकलेट और पाइनएप्पल का मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए बस थोड़ा सा बाइंड हो जाएंगे तो आप मनचाहा शेप दे दीजिए, क्योंकि हम आइसक्रीम वाला शेप दे रहे हैं, केक सिकल्स बना रहे हैं तो मैं वही वाला शेप हैंड से दे रही हूँ। ये बिना मोल्ड के मैं दिखा रही हूँ, इजी क्विक इंस्टेंट रेसिपी, कोई मोल्ड परचेज करने की जरूरत नहीं है आपको। मोल्ड होता है तो पहले मोल्ड में चॉकलेट लगाते हैं, फिर थोड़ा सा ये लगा दो बीच में और फिर ऊपर से चॉकलेट, ठीक है। तो मनचाहा शेप देके आप स्टिक घुसा दीजिए, उसमें स्टिक इंसर्ट कर दीजिए ताकि उसका लुक आ जाए पॉपसिकल्स टाइप से। तो इसी तरीके से आप मनचाहे शेप में बनाइए और बनाने के बाद इसमें स्टिक लगा दीजिए। इसको फिर हमें स्टोर करना है फ्रिज में, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि थोड़ा सा बाइंडिंग हो जाए, टूटे ना, थोड़ा सा हार्ड हो जाए आपका जो बेस है। दो मैंने हार्ड शेप में बना दिए थे और देखिए बिना किसी कटर के या शेप के मैं यूज कर रही हूँ, बाय हैंड ही हम कर रहे हैं, कोई मोल्ड हम यूज नहीं कर रहे। एंड बटर पेपर पे ही रखना, ठीक है, बटर पेपर पे ही रखना उसको, अदरवाइज वो चिपक जाएगा प्लेट में। और ये हम ले रहे हैं व्हाइट चॉकलेट, तो हमें इसे मेल्ट करना है। आप चाहे तो गैस पे मेल्ट कर सकते हैं, जैसे ये डबल बॉइलिंग मेथड से, कोई भी बॉइल में पानी रख दीजिए बाउल में, ऊपर कोई बाउल रख के उसमें आप चॉकलेट डाल दीजिए तो मेल्ट हो जाएगी। या तो इस तरीके से कर सकते हो या माइक्रोवेव कर लीजिए, जो आपको कन्वीनियंट है वो कर लीजिए, बहुत जल्दी एक दो सेकंड मिनट में हो जाता है बस। तो ये देखिए आपका चॉकलेट का बेस रेडी है। आपके वो केक आपने फ्रिज में रखा हुआ है बना के स्टिक्स, उनको निकालिए, उनको बस हमें अब कोट करना है चॉकलेट से। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, ब्राउन वाली, मैंने व्हाइट ली है, थोड़ा सा व्हाइट थोड़ा डिजाइनिंग के लिए, आप कोई भी ले सकते हो, आप ब्राउन भी ले सकते हैं, आप अपनी नॉर्मल डेरी मिल्क, अगर आप डार्क चॉकलेट से नहीं है अपनी डेरी मिल्क या कोई भी चॉकलेट को भी मेल्ट करके ये वर्क कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा फ्रिज में रखने से थोड़ा सा हार्ड हो गया है, केक है तो सॉफ्ट तो रहेगा, बहुत हार्ड तो नहीं होगा। अब बस इसको आपको कोट कर लेना है चॉकलेट से। कोट आप कैसे करते हैं आपके ऊपर है, आप पूरी स्टिक को उसमें डाल दीजिए या चम्मच की हेल्प से, स्पून की हेल्प से इसको कोट कवर कर लीजिए। और बस थोड़ी ही देर में, बहुत थोड़ी सी में, हार्डली एक दो मिनट के अंदर ही ये ड्राई हो जाता है और आपके केक सिकल्स रेडी हो जाएंगे टू सर्व। तो इस वैलेंटाइंस पे अपने वैलेंटाइंस को, जरूरी नहीं ना कि आपका पार्टनर ही वैलेंटाइन हो, आपके बच्चे, जो भी आपके वैलेंटाइन से प्यार करने वाले हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको इन केक सिकल्स से सरप्राइज कीजिए और इंजॉय कीजिए। ये देखिए डन है, अब इसको फ्रिज में रख दूंगी बस, और बस इसको अब हम डेकोरेट करेंगे। देखिए ये सेट हो गया है, फ्रिज में थोड़ी देर रखा था बस, और ये सेट है। आप चाहो तो डबल कोटिंग कर सकते हो। अब मैं हम इसको डेकोरेट करेंगे, उससे पहले ये हटा के ये देखिए इसको मैं काट देती हूँ, सही कर देती हूँ अभी। हाँ उठा, देखिए इसको, इनको एक्स्ट्रा हटा देते हैं जो है ना साइड में, जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो हम हटा लेंगे। बहुत ध्यान से हटाइएगा, हटाते टाइम पे कई बार आपकी चॉकलेट क्रैक हो जाती है, क्रैक होती है, डरना नहीं है, वापस मेल्टेड चॉकलेट डाल दीजिए फिर वो ठीक हो जाएगी, तो कोई इश्यू नहीं है। बट ये प्यार से कीजिएगा इस काम को, क्योंकि बहुत जल्दी ये देखो मेरी क्रैक हो गई थी, तो कोई इश्यू नहीं है। अब वापस कोट कीजिए, फिर दो मिनट के लिए छोड़ दीजिए बस।
तो ये डन है। बस अब इनको गार्निश या डेकोरेट करेंगे हम स्प्रिंकल से। आप देख रहे हो मेरे 2-3 स्प्रिंकल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो थोड़ी सी चॉकलेट, वाइट चॉकलेट को ही आप कलर, जो भी कलर आप चाहते हैं उसमें कलर डालिए और कोन में डाल के, और या फिर आप चम्मच से भी, स्पून की हेल्प से भी ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। ये ध्यान रखना बहुत जल्दी करना होता है ये वाला काम, क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी जो है जम जाती है। और बस इसके ऊपर फिर स्प्रिंकल्स डाल दीजिए चॉइस के, जो भी आप चाहें। एंड इट इज रेडी टू गो, एंजॉय। एंड यस, ये स्प्रिंकल्स जब आप लगाते हैं, क्योंकि चॉकलेट है और वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो आप जो स्प्रिंकल्स लगा रहे हैं उसके बेस के लिए आप उस पर थोड़ी सी चॉकलेट लगा दीजिए मेल्टेड, और फिर लगाओगे तो स्टिक हो जाएंगे, अदरवाइज वो फॉल करेंगे। तो मैंने एक दो ही स्टिक किए, बाकी मैंने सिर्फ डेकोरेट ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिए थे, तो जब मैं लूंगी तो वो सारे गिर जाएंगे हैंड में लूंगी तो। बट मुझे आप लोगों को शो करना था इसलिए मैंने कर दिया। बट आप लोग जब भी कहते गीले पे लगाइएगा, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है चॉकलेट, तो वो स्प्रिंकल्स जो है वो उस पर स्टिक नहीं हो पाते हैं, फिर वो आप जब खाओगे ना तो वो फॉल हो जाएंगे। तो बस डू गिव इट ए ट्राई फ्रेंड्स, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए तो बच्चे तो खाएंगे, बहुत रेलिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वैलेंटाइन पे अपने वैलेंटाइन्स को आप इम्प्रेस कर सकते हैं इन पॉप्सिकल्स की हेल्प से। आप भी बनाइए, रुक मैं खड़ा करके दिखाती हूँ ऐसे, ये देखिए, आप एंजॉय कीजिए। डू गिव इट अ ट्राई फ्रेंड्स, बहुत इजी, इंस्टेंट है और बहुत क्विक रेसिपी है। तो चलिए नाइशा से टेस्ट करवा के आपको दिखवाती हूँ कैसा है। मैं अवॉइड करूँगी, वो कल भी बनेगा तो थोड़ा सा कल खाऊंगी, आज नहीं, आज बच्चों के लिए। तो चलिए बाय। अब बोलो। तो फ्रेंड्स, अब मैं खा के आपको बताती हूँ केक कैसा बनाएं। कौन सा वाला खाएगी? ये वाला ले लो, पकड़ो। भारी नहीं है तो पकड़ना तो पड़ेगा, ये भारी है तो। नहीं यार, तो ये छोटा वाला ले लो, फिर ये वाला ले लो। हाँ चलो, एक बार पहले दिखाओ, एक बार दिखाओ ऐसे फेस करके यूँ। हाँ इधर देखो, नहीं हाँ कोई नहीं, देखो स्माइल। अब खाओ, अब खाओ। दिखाना एक बार कैसा है तोड़ने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, लाइक चॉकोबार आइसक्रीम है ना, चॉको। मैं टेस्ट नहीं करना चाह रही, पर नाइशा ने कहा ऐसे टेस्ट कर लेते हैं वन बाइट। आप ये देखो कितना अच्छा रहा है, वाओ। खाओ। अब मैं अपना फोन तक चला लूंगा। मैं टेस्टी है यार, नाइस। हां मस्त, बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है, ट्राई जरूर करना।